वेलकम बैक टू चैनल इट्स मी किरण और आप देख रही हैं और इसकी टिप ये है कि एक चम्मच इसके अंदर नमक का डाल लीजिएगा इससे आपका बर्तन भी खराब नहीं होता और आलू है जो उनका कलर खराब नहीं होता और बहुत अच्छे से आपने ना ज्यादा सॉफ्ट और ना ज्यादा हार्ड रखने हैं ये आलू बॉयल कर लेने इसको अच्छे से क्रश कर लेना ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं मजेदार सा इसके अंदर जी एक छोटी चम्मच नमक जाएगा एक कुटी लाल मिर्च एक चम्मच और ये धनिया पाउडर है एक छोटा चम्मच उसके अंदर थोड़ा

सुरख मिर्च नमक और धनिया पाउडर अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इसके अंदर मिर्चें शामिल कर लेनी है आधा चम्मच धनिया पाउडर का है और एक छोटा चम्मच नमक का है खुश्क मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी गिल्टियाँ सी हैं ये टूट जाएं और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर पानी शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिएगा बेसन जो है वो बहुत जल्दी पतला हो जाता है सेमी थिक पेस्ट बनाएंगे ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली बिल्कुल इतनी कि हमारा जो हम इसके अंदर ब्रेड को डिप करेंगे वो उसको होल्ड कर लें ठीक है इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बेलाइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ फ़ौर से आप तक पहुँच सकें अच्छी अच्छी दुआ किया करें अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें बस इन्हीं चीज़ों की मुझे ज़रूरत है इससे क्या होता है कि हौसला अफजाई हो जाती है और जो अच्छी अच्छी और मेहनत का मैं काम करती हूँ मुझे उसका सिला मिल जाता है बस ये जी अपनी मर्जी मर्जी से जितने मर्जी ब्रेड पकौड़े बना लें आप जो मर्जी शेप इसको दे सकती हैं अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसके अंदर वेरिएशन कर सकते हैं इसके जी हम इस तरह से स्लाइसिस बना लेंगे और उसके बाद जो बैटर हमने तैयार किया है जो फिलिंग तैयार की है वो इसके अंदर हम अच्छे से फिल कर लेंगे बहुत अच्छे से भर लीजिएगा चाहे तो आप फिंगर की मदद ले लें चाहे तो आप स्पून की मदद ले लें जो आप का दिल चाहे सर्दियां हैं जी और आगे रमजान शरीफ भी आ रहा है उसकी भी ये उसके लिए भी मजेदार सी ये रेसिपी बनती है और आ, जो है ये एक फुल करने वाली रेसिपी है आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं इसके अलावा आप ऑफिस जा रहे हैं आप ऑफिस में बना के ले जा सकते हैं आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं आप वहाँ बना के ले जा सकते हैं बहुत मज़ेदार रखते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप ठंडा भी खा सकते हैं इसे आप गर्म भी खा सकते हैं इसलिए कि एक हेल्दी और एक अच्छी रेसिपी है ये बैटर के अंदर डिप करते जाएंगे और मीडियम हीट का हमने ऑयल जो है वो मीडियम हीट पर रखा हुआ उसके अंदर इसको आराम से आपने फ्राई कर लेना है बिल्कुल दो से तीन मिनट लगते हैं दोनों साइड से आराम से फ्राई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है बहुत ईजी और क्विक से बनने वाली रेसिपी है आप हाई टी में भी इसको दे सकते हैं आप वैसे टी के साथ भी इसको पेश कर सकते हैं गेस्ट घर में आए हों कोई चीज़ ना हो ये चीज़ें पड़ी होती हैं फ्रिज में हर किसी के मज़ेदार से फ़ौरन से बनाएं और प्रेजेंट कर दें अच्छी सी प्रेजेंटेबल डिश और मज़ेदार भी लगती है और देखने वाले को भी लगता है भाई पता नहीं आपने क्या चीज़ बना दी है हालाँकि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है बहुत आराम से बन जाती है कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है दही के जी इसके लिए एक डिप बनाएंगे जी एक कप दही है इसके अंदर एक हैंडफुल भर के जो है हम इसके अंदर दरिया के लीव्स जो है वो डाल देंगे एक हैंडफुल इसके अंदर हम पुदीने के लीव्स डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर नमक डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे दो ये जी लहसुन के जवे हैं ये शामिल करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे मज़ेदार से डिप तैयार है आप कहेंगे जी कोई चीज़ बनाइए इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखिएगा फीडबैक जरूर दिया करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू सो मच अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज